देश की राजधानी दिल्ली में महिंद्रा पार्क इलाके में दुष्कर्म का आरोप लगाकर वसूली के खेल का खुलासा हुआ है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने महिंद्रा पार्क थाने की एसआई रचना को सस्पेंड कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल इलाके की महिला ने एक डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। थाने में मामला सेटल करने के नाम पर डॉक्टर से 50 लाख की डिमांड की गई, जबकि बातचीत के दौरान सारा सेटलमेंट 35 लाख रुपए में तय हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने जबरन वसूली करने वालों के खाते में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। अगले दिन बाकी पेमेंट के समय डॉक्टर ने वसूली कांड की वीडियो बनाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंप कर कार्यवाही की मांग की। आरोप है कि बजाय महिला के खिलाफ कार्यवाही करने के डॉक्टर के खिलाफ ही दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। दिनांक 26 जुलाई को एक इंसिडेंट हुआ था, जो मेरे जानकार हैं, एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनके घर पे यहाँ से पुलिस पहुँची थी विकासपुरी में, और उनको और उनके बेटे को जो डॉक्टर हैं थाने लेके आया गया था, और उनको बताया गया था कि आपके खिलाफ एक एलिगेशन है रेप और एक्सटॉर्शन के मुताबिक के लिए। और यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थी, उनका नाम रचना है, जो उनको कैम्प यहाँ कमरे में मिली और यहाँ सारी बातें हुई। उनसे पहले 50 लाख की डिमांड हुई, 50 लाख के बाद वो घटते घटते 35 लाख पे फाइनल हो गई, और 2 लाख रुपये उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ले लिया गया। इस एक्सटॉर्शन रैकेट के अंदर 2 लड़कियाँ थी और एक शख्स वहाँ पर शामिल था, जिसने ऑनलाइन उसको ट्रांजेक्शन अपने उसमें लिया। और इस बारे में, और उसके बाद रात को 1:30 बजे उस जो डॉक्टर को यहाँ से, जो इलीगल उनकी डिटेंशन में था, अवैध रूप से उसको रोका गया था, उसको छोड़ दिया गया। अगले दिन जब हमें पता लगा तो हम यहाँ पे आए थे 27 जुलाई को शाम को, मैं और मेरे साथी वकील साहब आए थे, और हमने जब यहाँ पे आके रचना से सारी बात की, और रचना ने वही सेम इंसिडेंट हमारे सामने दोहराया और हमारी मीटिंग भी कराई अपने ही रूम में, जो मोइनुद्दीन मंडल नाम के शख्स थे जिनके खाते में पैसा आया था, उनके साथ में हमारी मीटिंग कराई। उन्होंने भी सारी बातें दोहराई, जिन सारी बातों को हमने एक कैमरे में वीडियो के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद हमने अफसरों को सारी बात बताई। अफसरों ने इस बात का तुरंत संज्ञान लिया है, और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DCP मैडम है और बाकी तमाम अधिकारी, उनको उन्होंने बड़े सीरियसली इस मैटर को लिया है, और तुरंत कार्रवाई कराते हुए अब हमारी शिकायत पे भी एक FIR दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला परिवार के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती है, वहीं पीड़ित डॉक्टर शशिकांत प्रकाश विकासपुरी इलाके में रहते हैं। शशिकांत ने बताया कि 26 जुलाई को उनके घर 3 पुलिसकर्मी पहुंचे और उनको जांच के नाम पर महिंद्रा पार्क थाने में ले गए। थाने पहुंचने पर पता चला कि एक लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। शशिकांत के मुताबिक वह लड़की को नहीं जानते थे। डॉक्टर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद पुलिस अधिकारियों के तो होश उड़ गए। डॉक्टर की शिकायत पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ ब्लैकमेल कर वसूली का मामला दर्ज किया गया। मामले में पुलिस के मिली भगत के भी आरोप लगे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज एक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो चल रही है, जिसमें ये दिख रहा है कि IO सब इंस्पेक्टर रचना कोई एक रेप कंप्लेंट पर सेटलमेंट, उनकी प्रेजेंस में कुछ सेटलमेंट हो रहा है। इसमें हमारे थाने में एक कंप्लेंट आई थी रेप की एलिगेशंस लेकर, एक लेडी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करी थी और अकॉर्डिंगली उस पर FIR दर्ज हुई है, और उससे पहले शायद ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ कर रहे हैं, और उस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर रचना की प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि एलिगेशंस काफ़ी सीरियस हैं और ग्रेव नेचर के हैं, जिनके लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए IO सब इंस्पेक्टर रचना के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया गया है, और इस पूरे प्रकरण की इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, जिसको खुद एडिशनल DCP 1 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्री गुरु इकबाल सिंह सिद्धू करेंगे।